Good morning, guys. So, aaj hai Children's Day, and we have made these mini colorful idlis for Saanvi's tiffin because this is our favorite thing to eat. Usko bahut pasand hai. To uski dadi ne uske liye banaye hai. Look at the colors. She likes light pink and dark pink, both. So yeah, now I got to make her ready. It's a different page there and I'll get back to you soon. Happy Children's Day! Thank you, Mom. It's like baby video ke liye padhaya hua hai. स्कूल में कैसे आज आपने कलरफुल इडली और ऑरेंजेस और स्वीट्स मजा आएंगे ना स्कूल से सानवी आ गई है एंड शी हैज चेंज्ड हर क्लोथ्स हर डे इन स्कूल वाज ग्रेट दे गॉट स्वीट्स एंड उसको मुझसे भी स्वीट्स मिली बोलो Mom? Yes? Hey? Card to meko mil gaya, baby. Abhi isko 2 minute band karo. Pehle apna headband pehno. Seedha pehenna. Ye ulta hai. Seedha karo. चलो अब बताओ आज स्कूल में चिल्ड्रंस डे कैसे सेलिब्रेट करा द 15 अगस्त 15th अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है ना चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 14 नवंबर और आज क्या करा था फिर टीचर ने स्कूल में आज करा था शो और बच्चे बैठे थे कारपेट पे अच्छा और आपने बाद में डांस भी करवाया टीचर्स के साथ बस स्टेज पर नहीं कारपेट पर अच्छा कारपेट पे टीचर्स के साथ डांस भी करा था नहीं टीचर स्टेज पे करती थी डांस करा था और उन्होंने एक स्टोरी भी तो सुनाई थी सॉन्ग फॉर कौन सी टू है एक पापा चूहा था एक मम्मा चूहा और एक बेबी चूहा बस इतना ही पता है मुझे अच्छा इतना ही पता है आपको मजा आया था उस स्टोरी में यस और आपको स्कूल से मिला क्या मिला लुक है ना पहले टीवी नो इतना सब कवर आया था पर स्वीट्स और सॉन्ग और मम्मा से क्या मिला फिर मम्मा से और कलरफुल इडली आपको अच्छी लगी थी yes. और आपकी फ्रेंड को अच्छी लगी थी ओ क्या बोला था मम्मा मैंने पूछा था कि कलरफुल इडली आपको अच्छी लगी थी yes. और आपकी फ्रेंड को अच्छी लगी थी कौन है आपकी फ्रेंड और जनीशा एक और भी तो है एक नाम आप भूल रहे हो एक और नाम भूल रहे हो यस चलो सबको विश कर दो हैप्पी चिल्ड्रंस डे हैप्पी चिल्ड्रंस डे फ्लाइंग किसी भी कर दो पर कौन था मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कौन था फिर सानो की वीडियो है ये तो कौन था ये देखो सानो है अच्छा दिख रहा है क्यूटू नहीं पकड़ नहीं सकते पकड़ मम्मा पकड़ेगी मम्मा
पूरा दिन टीवी ऑन रहता है और बाय गॉड ऑल द टाइम जब मुझे व्लॉग करना होता तब जूम भी नहीं सानवी पे करा था जूम आउट हो जाओ तो अब उसका टीवी ऑन हो गया था एंड बस कुछ नहीं आई जस्ट सिट डाउन एंड प्लान रेस्ट ऑफ हर चिल्ड्रंस डे वाला टाइम उसके अलावा भी हैव अ फ्यू रिलेटिव्स एट होम तो नाइट को चिल मारेंगे आपको थोड़ा अच्छा खाना पीना दिखाएंगे बस और क्या अब क्योंकि मैं अपने वॉशरूम में हूँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो है ये आज मैंने सलमीरा को अच्छे से सॉर्ट कर दिया है और मेरे पास यहाँ पे मेरा स्किन केयर है जो मैं फॉलो करती हूँ मैं आपसे पूछना चाहती थी इफ़ यू वांट टू सी माय स्किन केयर रूटीन और नॉट मतलब बहुत ही सिंपल सा है इट इज़ नॉट लाइक मैं कोई सीरम या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें यूज़ करती हूँ इट्स प्रिटी सिंपल लेट मी नो इफ़ यू वुड वॉन्ट टू सी अ स्किन केयर रूटीन आई एम प्लानिंग टू डू वन बट आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज इट्स क्वाइट बेसिक एंड सिंपल बट स्टिल I can share what I do, what everybody does is different. तो सबका अपना अपना take होता है So yeah, let me know if you would want to see that. And और क्या washroom में इससे ज़्यादा बातें नहीं होती So I take you out tonight and तब तक के लिए bye. Hi guys, good morning. And it's pretty much few days after Children's Day. So obviously Children's Day बहुत पहले निकल गया and I haven't uploaded the vlog. But मैंने इसमें include कर दिया because that was a really cute moment. And yes, so अभी मैं video shoot कर रही थी कुछ. So I thought I'll complete that vlog before I just remove off my makeup and सब कुछ घर के कामों में busy हो जाऊँ. So उससे पहले मैं आप कुछ share करना चाहती हूँ आपसे and उस vlog को end करना चाहती हूँ. तो सबसे पहली चीज़ सानवीज बर्थडे एंड माय एनिवर्सरी बोथ आर अराउंड कॉर्नर सो अगर आपके पास कोई भी एनिवर्सरी आइडियाज़ हैं प्लीज़ उसे शेयर करिए प्लीज़ 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 उसे शेयर करिए इस टाइम आई एम लैकिंग आइडियाज सो आपके पास अगर कोई भी एनिवर्सरी आइडियाज़ है प्लीज़ कम ऑन शेयर इट विद मी उसके अलावा सानवी की बर्थडे प्रिपरेशंस आर फुल ऑन अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो It's been 4 years, but कभी भी मैंने वो grand parties होती है ना जो बच्चों की full on party होती है रात को या you आप समझ गए ना जो full on party होती है अभी तक we haven't done that. Reason being, first and second year मुझे ऐसा लगता है बच्चे बहुत छोटे हैं अपनी parties enjoy करने के लिए and they don't even remember and parties बहुत ही ज़्यादा stressful और you know worrying हो जाती है तो I am not a party girl उससे बेहतर मेरे लिए होता है कि कहीं travel कर लो कहीं बच्चे के साथ घूम आओ बच्चे को भी explore करवाओ नई चीज़ें बच्चे के साथ time spend करो rather than partying जिसमें आप बच्चे के साथ बहुत कम time spend करते हो और लोगों के साथ ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा पार्टी बंदी नहीं हूँ वेन इट कम्स टू थ्रोइंग अ पार्टी वेन इट कम्स टू अटेंडिंग अ पार्टी काफ़ी कर लेती हूँ सो येस अभी तक हमने ऐसे कोई पार्टी थ्रो नहीं करी है कभी भी सानवी के बर्थडे पे एंड हम सोच रहे हैं वी विल डू इट ऑन अ फिफ्थ बर्थडे मतलब हम पहली जैसी सानवी हुई थी तभी हमने जब डिस्कस कर रहा था तो हमने यही सोचा था हम उसका फिफ्थ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जब वो खुद पार्टी इंजॉय करने जितनी हो जाएगी और जब उसे खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी दो उसे अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पहले 3 साल उसे इतनी नहीं थी 2 साल तो बिल्कुल नहीं पिछले साल थोड़ी सी हुई थी तो हमने आप देख सकते हो उसका बर्थडे ब्लॉग हमने ऑर्फनेज गए थे एंड वी सेलिब्रेटेड A birthday like that, उसने उन बच्चों में बहुत enjoy करा so that was fun. जो first 2 birthdays थे वो हमने out of town बनाए थे हम यहाँ नहीं थे एक I think जयपुर बनाया था और एक हमने उदयपुर बनाया था तो हम घूमने गए थे और अब उसका है 4th birthday मैं अभी तो रिवील नहीं करना चाहूँगी कि उसका 4th birthday हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफकोर्स ग्रैंड पार्टी नहीं है वो अब हमने डिसाइड कर लिया है हम 5th birthday पे ही करेंगे तो हम उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो मैं आपसे व्लॉग में ज़रूर शेयर कर ही लूँगी तो अगर अभी डिस्क्लोज कर दूँगी तो तब के लिए क्या रहेगा तो यस आप उस व्लॉग की वेट करें एंड बाकी की प्रिपरेशंस जैसे कि केक और केक सिंपल रख रहे हैं हम इस बार नॉट फैंसी
और जो वो होते हैं कैप्स होती हैं, कैंडल्स होती हैं, बेलून्स होती हैं, वो सब मैं अभी शॉप कर चुकी हूँ. आई हैव ऑल ऑफ दैट, बस प्रिपेयर करना है. अब रही बात गिफ्ट की, जनरली हम उसके बर्थडे पे उसे ऐसा गिफ्ट देते हैं जो उसे आगे यूज़ में आए, या फिर कोई FD और समथिंग लाइक दैट. और साथ में छोटे छोटे गिफ्ट्स ले आते हैं, जैसे उसके डॉल्स और जो उसे पसंद है, जो उसे चाहिए वो ले आते हैं. पिछली बार कार लेकर आए थे. इस बार हमने प्लान करी थी उसके लिए एक कबर्ड, बट समहाउ दे आर सफिशेंट कबर्ड्स, और कुछ स्पेसिंग इशू हो रहा है, मतलब कहाँ रखें कैसे रखें सही समझ आ रहा. तो दैट गॉट कैंसल्ड और अब मैंने उसके लिए गिफ्ट लेना है. सो अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, और अब आप मुझे ये बताएं कि मैं उसे क्या गिफ्ट करूँ. अगर उससे पूछा जाए कि क्या गिफ्ट करूँ, तो वो हमेशा यही बोलती है, मेकअप टेबल, मेकअप टेबल. सो यस, आप मुझे बताएं कि उसके लिए क्या गिफ्ट किया जाए. और हाँ, यही था जो मैं आपसे उसके बर्थडे के रिगार्डिंग शेयर करना चाहती थी. ब्लॉग तो मैं ज़रूर करूँगी, कितना कर पाऊँ मुझे नहीं पता, बट हाँ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ब्लॉग ज़रूर करूँगी. नाउ डन विद द बर्थडे डिस्कशन. दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ आजकल. कल ब्लैक फ्राइडे है, तो आज थर्सडे है जब मैं शूट कर रही हूँ, और आई थिंक आप प्रॉबेबली इधर फ्राइडे को ही या फिर संडे को ये ब्लॉग वॉच कर लेंगे. तो कल ब्लैक फ्राइडे है, और जो भी सेल अपडेट होंगी वो सारे मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूंगी. इंस्टाग्राम पे आई एम ट्राइंग टू बी मोर एक्टिव, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें. एंड यस, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे. दिसंबर के लिए वीडियोस मैंने प्लान कर ली हैं, और यस नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने एक बहुत अमेजिंग प्लानिंग करी है. वो मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में, जान में, न्यू ईयर 2019. आई एम गोइंग टू किल इट इन 2019. मेरा 2018 थोड़ा स्लो था, बट 2019 बॉम्ब होने वाला है. आई विल शेयर दोज थिंग्स इन माई दिसंबर वीडियोज. सो या लेट मी नो वॉट एल्स वुड यू लाइक टू वॉच ऑन माई चैनल. आप हिंदी में वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, मेकअप व्लॉग्स, या और क्या देखना चाहते हैं. सो यस, यही मैं आज आपसे शेयर करना चाहती थी. आई रियली होप आपको ये छोटा मोटा सा व्लॉग पसंद आया हो. इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.